हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ मेरा, आप देख रहे बजी इस पर ब्रीडिंग चैनल। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा खारिश के वाले से, गर्मी में अक्सर बर्ड्स को खारिश हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इसी तरह मैं वीडियो बना के आपको गाइड करता रहूँ। दूसरे आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो। तीसरे आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई भी सवाल पूछना, मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स का भी जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जो स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी भाई को मुझे व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पे कुछ भी अगर सवाल पूछना है, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, तो उम्मीद है मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। चलते हैं नाज़रीन टॉपिक तरफ। तो नाज़रीन, ये तस्वीर आप देख सकते हो, जो बर्ड्स को खारिश हो जाती है, तो ये बर्ड्स की ऐसी तस्वीर है। देखो, ये अगर जो आप तस्वीर में देख सकते हो, बर्ड्स को खारिश हो जाती है तो ऐसी हालत हो जाती है बर्ड्स की, ठीक है। तो इसका इलाज आप क्या करो, तो इसका इलाज मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना ही है। देखो, सबसे पहले तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा जो नीम के पत्ते आते हैं, ठीक है। नीम के पत्तों को आपको क्या करना है, नीम के पत्तों को आपको लेना है, एक दो टहनी लेनी है नीम के पत्तों की। इसमें आपने पानी भरना है, 1 लीटर पानी में आपने नीम के पत्ते डालने हैं, ठीक है। 1 लीटर पानी को आप इतना उबाल करो कि वो आधा लीटर हो जाए, मतलब आधा हो जाए पानी, ठीक है। फिर उसको जब वो पानी आधा हो जाएगा, फिर वो स्प्रे वाली बोतल में डाल के अपने जो खारिश वाला बर्ड्स है, जिसको खुजली हो गई है, उस पर आप इसको वो स्प्रे करो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये नज़र आ रही होगी, जो ये जो आपको स्प्रे वाला मैं पानी बता रहा हूँ, आपको जब भी अगर आप स्प्रे करो तो आपको 7 दिन तक ये स्प्रे करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा का जो पौधा आता है, उसको अगर आप कटिंग करोगे, इसमें से जो जेल निकलता है, ठीक है, जेल अगर आप अपने बर्ड्स के ज़ख्म पे लगाओगे, जहाँ जहाँ इसको खारिश हो रही है, ज़ख्म आपने बर्ड्स को हो गए वहाँ पे लगाओगे, तो ये बिल्कुल इसके ज़ख्म ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको 7 दिन इसको यूज़ करवाना है। ये जो आपको तीसरी चीज़ नज़र आ रही है, ये है कोपेक्स पाउडर, ठीक है। कोपेक्स पाउडर अगर आप अपने बर्ड्स के पड़ों पे छिड़कोगे, विंग्स पे छिड़कोगे, तो इससे जो इसकी खारिश होगी वो दूर हो जाएगी। जो इसके पर में जो जुमे होती है, गर्मी में अक्सर होता है जिनके पड़ों में कीड़े हो जाते हैं, जो बारीक हमको नज़र नहीं आते, लेकिन इनको ये खारिश करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है जो खुश्की हो जाती है, खुश्की से भी इनको खारिश होती है, तो ये खारिश करेंगे तो ये इनको ज़ख्म हो जाएंगे, और इनका जो पर होते हैं वो ज़ख्म हो जाएंगे, और ये विंग्स जो इनके होते हैं, पर होते हैं, वहाँ पे ज़ख्म हो जाएंगे, ठीक है। तो खारिश में आपको ये करना है कि जो गर्मी का मौसम आता है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से आप अपने बर्ड्स को जो पानी का बर्तन आता है, ठीक है, आपको बड़ा सा बर्तन लेना है, इसमें ठंडा पानी आपको भरना है, ठीक है। ठंडा पानी भर के आप अपने बर्ड्स को दें, ये नहाएंगे, इसका जो अगर जब ये नहाएंगे, नीम ठंडा पानी हो इसमें आप अपने बर्ड्स को दे, तो ये सुबह सवेरे आप अगर अपने बर्ड्स को देंगे तो ज़रूर नहाएंगे, ठीक है। गर्मी के मौसम में जब ये नहाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो इनका खारिश का मसला होगा वो दूर हो जाएगा, जो खुश्की इनके जिस्म में होगी वो दूर हो जाएगी। तो अपने बर्ड्स को नहाने की सहूलियत भी दिया करें। दूसरी बात से कहना चाहूँगा अगर आप अपने बर्ड्स को बड़ा बर्तन, जैसे केज आपका छोटा है, बड़ा बर्तन आप नहीं रख सकते, तो नीम ठंडा पानी लो, जो स्प्रे वाली बोतल आती है इसमें आप इस पानी भरो, और वो ठंडे वाला ठंडा पानी आप अपने बर्ड्स के चेहरे पे और जैसे इसके जिस्म पे और स्प्रे करो। तो अगर आप स्प्रे करोगे तो जो खुश्की होगी, खारिश होगी, जो कीड़े होंगे वो भी मर जाएंगे। तो आपको कीड़े मारने के लिए चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। चौथी चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथी चीज़ तो जो डेटोल आता है, डेटोल आपने पानी में डाल के एक दो कतरे पानी में डाले और अपने बर्ड्स को छिड़के। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो के मतलब अगर कुछ भी आपको सवाल पूछना, कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स का भी जवाब मैं ज़रूर दूंगा। दुआ में याद रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फी अमानिल्लाह।